हम लोकगीत बना के गवा दिए तो क्या कर दिए। जब गाना अश्लील है तो हर जगह क्यों बज रहा है। पब्लिक का काम है साफ सुथरा सुनना, साफ सुथरा होता है तो काहे नहीं सुनती पब्लिक। जी नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं रबजी न्यूज। रबजी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो भोजपुरी में गाना बहुत भयंकर ट्रेंड कर रहा है, देवरा ढोड़ी चटना बाद, देवरा ढोड़ी चटना के गीतकार हमारे साथ अभी मौजूद है पीके आर्यन जी। और आइए अभी इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर गीत लिखने में क्या क्या परेशानियाँ आई है और क्या क्या नहीं आई है। सबसे पहले आपका रबजी न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, आपका रबजी न्यूज देखे वाले सब दर्शक के प्रणाम बा हमारे तरफ से। और सबसे आग्रह बा कि चैनल के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीके आर्यन जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि पहले तो उस गीत को दो लाइन आप गुनगुनाइए। कि पतिया नतिया पटना बा, अरे पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। पीके आर्यन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचकर इस गीत को लिखा था। गीत सोचकर क्या लिखा जाता है गीत में? देखिए, गीत लिखने के क्रम में होता है ना कि कभी लोग पे ये अथी होता है कि कभी लोग ये समाज को देखते हुए मार्गदर्शन कराते हैं, समाज को एक नया दिशा दिखाते हैं। तो आपने क्या सोचकर गीत को लिखा था कि देवरा ढोड़ी चटना बा, ये मतलब फुहरता और अश्लीलता को मतलब आप इतना ज्यादा मतलब तात्पर्य और इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है अश्लील है? बिल्कुल अश्लील है। आप सुने हैं गाने को? बिल्कुल। क्यों सुने? जब अश्लील है तो क्यों सुने? जो जब गाना अश्लील है तो हर जगह क्यों बज रहा है? गांव में बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है, टेम्पू में बज रहा है, बस में बज रहा है। आखिर जब अश्लील है तो लोग एक गाने को 10-10 बार क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने जो लिखा है देवरा ढोड़ी चटना में, क्या देवरा ढोड़ी चटता है? होली के गाने आते हैं, सुने हैं? बिल्कुल। होली के गाने कैसे कैसे होते हैं? होली के तो एक होते हैं, होली जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। हमारी भोजपुरी भाषा को मतलब ये होली मतलब ये आप होली से इसका कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर होली में भी वही शब्द गाया जाता है। हम लोकगीत बना के गवा दिए तो क्या कर दिए। चोली ढोड़ी और लहंगा तो परंपरा चलते आ रहा है। हमसे जो बहुत सीनियर लोग गा रहे हैं, आज के डेट में भी बहुत सारा गाना आ रहा है कमरिया। मतलब एक तरफ हमारे भरत शर्मा जी अपने भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग ऐसे गीतकार जो मतलब ये भोजपुरी भाषा को मतलब नर्क की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आखिर आप क्यों कर रहे हैं? नर्क की ओर ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं? आपने ही तो अभी मार्केट में गाना दिया ना, देवरा ढोड़ी चटना बा। देवर कौन ढोड़ी देवर चाटता है बताइए आप? पुठलाली से रोटी बोरा जाता है। उठलाली से रोटी नहीं बोरा है तो हर अश्लील गाने का विरोध हो रहा है। आपके भी इस गीत को विरोध किया जा रहा है? आप जाके कभी ये सवाल किए हैं वहाँ? बिल्कुल, मैं किया हूँ। कहाँ किए हैं? मैंने जिस कलाकार ने गाया था उठलाली से रोटी बोर को, मैंने उनसे भी सवाल करा है और मैं आज आपसे भी कर रहा हूँ। और ये पूरी मैंने मतलब ये अश्लीलता के जो है मैं विराम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक मुहिम जो है कि साफ सुथरी गीत भोजपुरी बजे, उस मुहिम के तहत हम लोग आपसे बातचीत करने आए हैं। ठीक है, साफ सुथरा गीत बज क्यों नहीं रहा? साफ मेरा तो हर दूसरे दिन गाना रिलीज होता है, हर दूसरे दिन गाना रिलीज होता है तो काहे नहीं बजता है? आज 10 साल से हम लिख रहे हैं, 10 साल में 2000 से ज़्यादा गाने हमारे हैं मार्केट में, तो क्यों नहीं बजे? एक से एक साफ सुथरा गाने हम लिखे, काहे नहीं बजे? आज आप आए हैं सवाल उठा रहे हैं कि देवरा ढोड़ी चटना वा लिख दिए, तो यही क्यों लोग पसंद किया? अच्छा, मतलब आपके गाने नहीं बजेंगे तो आप मतलब ये अश्लील लिखेंगे, है ना? साफ सुथरे गाने नहीं बजेंगे? नहीं, साफ सुथरा। तो आपने ही तो अभी बोला ना कि अगर पब्लिक का काम है साफ सुथरा सुनना, पब्लिक का काम है अच्छे अच्छे गानों को बढ़ावा देना। अब जब पब्लिक खुद अश्लील पसंद कर रही है, डीजे पे बजा रहे हैं लोग, गाड़ी में बजा रहे हैं लोग, हर मोबाइल में है, लड़कियां रील्स बना रही हैं। कभी कभी आपने इस गाने का पब्लिक रिव्यू देखा है कि पब्लिक इस गाने को पसंद कर रही है? हाँ, देख रहे हैं। नहीं पब्लिक, देख रहे किस पब्लिक ने? अभी एक पब्लिक आप नाम बताएं और एक ऐसे चैनल का नाम बताएं जिसमें कि पब्लिक रिव्यू में कोई पब्लिक बोला है कि मैं इस गाने को पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग बोल, पब्लिक से आप पूछे हैं, सवाल करिए जाके पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल, सारे चैनलों पे चल रहे हैं भैया, मैंने पब्लिक रिव्यू चल रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आपने बोला कि नहीं पब्लिक पसंद कर रही है, पब्लिक को आप ऐसा परोसोगे खाना, ऐसा आप गंदा परोसोगे तो पब्लिक खाना तो भूख लगा तो खाएगी ही ना। क्यों? इससे पहले हम आपको बोल रहे हैं कि हर दूसरे दिन मेरा गाना रिलीज होता तो जब साफ सुथरा होता है तो काहे नहीं सुनती पब्लिक? क्यों नहीं बजाती है? क्यों नहीं रील लोग बनाते हैं? जब जब साफ सुथरा आप गीत लिख रहे हैं तो मतलब साफ सुथरा नहीं चलेगा तो आप अश्लील लिखने लगेंगे, किसी को गाली देने लगेंगे, ऐसा करेंगे क्या? गाली कह देंगे हम,
तो आप तो आप सवाल कर रहे हैं, आप यही सवाल पब्लिक से पूछिए कि क्यों इस गाने को सुन रही है, क्यों बजा रहे हैं लोग, हम क्या करें। हम पब्लिक तो काफी ज्यादा इस गाने को विरोध कर रही है, बजा तो कम रही है, विरोध काफी ज्यादा कर रही है। ये कौन सा विरोध हुआ कि आप उसी को सुन रहे हैं और उसी का विरोध कर रहे हैं? ये कौन सा सवाल हो गया कि आप डीजे पर बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि गाना का बाग साला गंदा लिख दे लेगा? अभी तो डीजे पे इस गीत को बजाया ही नहीं गया, डीजे पर तो भयंकर रूप बजा रहा है। अब देखिए YouTube खोल के देखिए कि डांस वीडियो इस गाने का सर्च करके देखिए, देखिए कितना डीजे पर कितने ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है। मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा ऑर्केस्ट्रा का वीडियो आया है। अच्छा, आपको आप खुद एक गीतकार है, आप एक कवि है, आपको खुद पता है कि ये गाना अश्लील है या नहीं है? अश्लील है, अश्लील नहीं इसको बोलेंगे, अश्लील है, लेकिन हर आदमी सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? तो ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये गाना अश्लील है, तो आपने अश्लील गीत लिखा क्यों? अश्लील हम लिखे हैं, काहे नहीं लिखे? आपने क्यों लिखा? क्यों नहीं लिखेंगे, पहले ही बताइए, हम क्यों नहीं लिखेंगे? 10 साल हो गया, मेरा करियर नहीं है, मेरा रोजी रोटी नहीं है। साफ सुथरे गीत भी तो बजती है ना, कहाँ बजा है बताइए तो। 10 साल आप देखिए, पवन सिंह जी का उठा के देख लीजिए, भरत शर्मा जी का उठा के देख लीजिए, मनोज तिवारी जी का उठा के देख लीजिए, बहुत ऐसे साफ सुथरे गीत है जो कि मार्केट में बजते हैं। पवन सिंह जी का बात कर रहे हैं, पवन सिंह जी गाए हैं कि ढोड़ी में बियर डाल के, सुने हैं ना जी? पवन सिंह ही गाए थे आई हो दादा ई का ढोड़ी किनार, उनके ऊपर भी उंगली उठाए थे लोगों ने, तो उनके गाने भी सुनने कम कर रहे थे, रिपोर्ट मार रहे थे, आपको ये भी बात पता होगा। रिपोर्ट मारने से गाना रुक गया ना? अगर बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा पब्लिक देती है, वही पब्लिक उसी गाने पे डांस करेगी, पैसा उड़ाएगी, और वही अब जाकर सवाल करिएगा तो गाली देगी हमको। अच्छा आर्यन जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने जब ये गीत को लिखा है तो आपको पता है किसी घर में आपकी फैमिली भी सुनते होंगे इस गीत? सब लोग सुनता है तो। अच्छा, ये आपके फैमिली सुनते हैं कि देवरा ढोड़ी चटना भाई इस गीत को सुनते हैं? सब लोग सुनते हैं, पूरे फैमिली के साथ बैठ के सुनते हैं? पूरे सब भोजपुरी में कौन ऐसा गाना है जिसको पूरा फैमिली बैठ के सुन सकता है, बताइए एक गाना बताइए। बहुत ऐसे गीत है बताइए। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे, ये पूरा फैमिली बैठ के सुनता है? क्यों, बिल्कुल, इसमें क्या अश्लीलता है आप हमें बताएं? अश्लील के बात नहीं है, कोई फैमिली एक साथ बैठ के कोई गाना नहीं सुनती भोजपुरी में। अब खाली भोजपुरी गंदा नहीं है, ये हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थानी हो, हर गाने हर लैंग्वेज में इस तरह के गाने होते हैं इंजॉय करने के लिए। आरन जी, मेरा बॉलीवुड का गाना सुने हैं? आशिक बनाया आपने का वीडियो देखे हैं गाने का? वो क्या साफ सुथरा है कि घर? मैं अभी बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, मैं भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। क्यों तो सवाल सबसे उठाइए, आपका काम है, आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है सबसे सवाल करना। आप बॉलीवुड की बात, पहले मेरी बात सुनिए, लाल सिंह चड्ढा का भी विरोध हुआ था, ये नहीं भूलिए। तो लाल सिंह चड्ढा बिहार में चला नहीं चला, फ्लॉप गया तो जाएगा जो जैसा करे। सोचिए तो आपने जिस तरह का गीत लिखा है, आप समाज में पहले एक मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने जो ये गीत लिखा है, आपको पता है इस गीत से समाज में क्या असर पड़ता होगा? कुछ नहीं पड़ता है। अभी जो नए मतलब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या ये मन में चलता होगा कि ऐसा होता है क्या, देवरा ढोड़ी चटर? आपको पता है मैं रास्ते पर चल रहा, 3 साल का बच्चा ये गीत गा रहा था। आप सोचिए कि उसके मन में सवाल कहाँ से आएगा और ये गीत कैसे, आप जैसे कभी ही उसको ये करते हैं ना, हमारे जैसे कभी करते हैं। आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं, वो आपको गाएंगे तो आप क्या उनको छूट दे देंगे कि नहीं है? जाओ यार गाओ, छूट दे देंगे? गाएगा, अकेले रहता है, गाता है अकेले। तो अकेले क्यों, सबके सामने गाएगा तो? फिर सबके सामने नहीं, आपको एक बात बता दी है हम कि कोई भी गाना हो चाहे कोई भी फिल्म हो, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देखती है, चाहे बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साउथ की हो, कोई अपने आज के जमाने में सबके पास ईयरफोन है, सबके पास मोबाइल है, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन सब सुनते हैं, सब देखते हैं। आप जिसको सबसे ज़्यादा अश्लील मानते हैं वो लोग सब देखते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से छुपा के। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आपने ये लिखा था, ये जो शब्द चुना था देवरा ढोड़ी चटना बा, ये आपके माइंड में कब चला कि हमें इसी शब्द पे काम करना है? ये हमारा शब्द नहीं था, हम पतिया नतिया पटना बा ये लेके चले थे, जब गाना हम लोग बनाने गए, म्यूजिक बनने के बाद हमारे लगा कि कुछ चटक करते हैं, तो ये
चंदन भाई खुद बोले कि इस तरह का करिए थोड़ा, मतलब चटक करने का मतलब आप असली लिख देंगे जी? असली है जी, नहीं है जी असली, तो काहे नहीं, काहे हिट हो गया जी? कहा हिट कहा हुआ थी तो फ्लॉप होने वाला, कहा से सब लोग विरोध करे तो फ्लॉप हो, विरोध कहाँ से, विरोध करके बढ़ावा दे रहे हैं अश्लीलता का, अपनी फ्लॉप हो जाएगा, विरोध करके आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग न्यूज ले जा रहे हैं इसका, एक लाइन काट के चढ़ा दे रहे हैं, जो नहीं सुनने वाला है वही एक बार सर्च करता है पूरा गाना, तो कमेंट में आप रिव्यू इसका देखिए ना, रिव्यू इसका देखिए, रिव्यू देखे है कल का इसका, बिल्कुल रिव्यू देखे आप, देखिए इसका व्यूअर देखे है, 2 मिलियन व्यूअर गया है 2 मिलियन में, आज 1.5 मिलियन प्लस पार कर गया है अभी तक। अच्छा कल 2 मिलियन चल गया, 1.5 मिलियन प्लस अभी तक चल चुका है, 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन चल गया। अच्छा जा रहा है 2 हफ्ते में। आर्यन जी, आर्यन जी, मेरा एक ही सवाल पे आपसे ज्यादा फोकस है कि आप मुझे ये बताएं कि आप इस गाने से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये गाना हम एंजॉय के लिए बनाए थे, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जिसको अश्लील लगता है वो अपने घर परिवार को संभाले, अपने आप को संभाले, कि हम नहीं सुनेंगे। अच्छा यार जी अश्लील नहीं है जी, कौन थोड़ी चढ़ता है जी, है वीडियो में तो खुलेआम दिखा रहा है। हम आपको क्या बोले, आशिक बनाया आपने का वीडियो आपने देखा है? मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, मैं भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड नहीं, मैं भोजपुरी, आप बॉलीवुड लिखते हैं? नहीं ना लिखते हैं, आप भोजपुरी लिखते हैं, मैं भोजपुरी में बात कर रहा हूँ ना। कहाँ भोजपुरी में, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तब से सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, बॉलीवुड के लैंग्वेज बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भोजपुरी का सवाल उठा रहे हैं, भोजपुरी में बतियाइए, भोजपुरी में हम जवाब देंगे। आप भोजपुरी में बतियावे नहीं तो तू बतियाओ भोजपुरी में हमारे से, भोजपुरी आवेला ऐसा थोड़े नहीं हुआ कि भोजपुरी ना आवेला महाराज। अब बोलते हैं कि वो नहीं है, सब लोग सुन रहा है, अब विरोध कर रहे हैं, ये कौन सा विरोध हुआ भाई? ये बिल्कुल विरोध हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एक जगह विरोध नहीं हो रहा है, जो विरोध कर रहा है वही लास्ट में बोल रहा है कि इस गाने को बजने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा अच्छा आर्यन जी, मेरा एक सवाल फिर से वही सवाल रहेगा, आपने इस गीत को बनाया ठीक है, आप अभी बोले मैं पूरे फैमिली के साथ इस गीत को देख सकता हूँ? नहीं, कहाँ बोला कि नहीं, आपने अभी मेरे फैमिली सुनता है लेकिन सब अलग अलग सुनते हैं। पूरा फैमिली सुनता है इसका मतलब आप सामने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पूरे फैमिली के साथ ओपन माइंडेड LED पे चला के देख सकते हैं क्या वीडियो? हम वीडियो नहीं देखते हैं, हमारे घर में LED नहीं है, हमारे घर में LED देखने वाले नहीं है। कलर TV तो होगा हमारे घर में है, लेकिन सबका अपना अलग अलग व्यवस्था है, हर आदमी मोबाइल यूज कर रहा है, हर लोग में एयरफोन लगाता है, मोबाइल में देखता है। क्या इससे पहले इस तरह का गाने नहीं आए हैं? नहीं बजे हैं, अभी पिछले लगन में कम बजा है ढोड़ी जनी छील दो, ढोड़ी जनी छील दो गाना उतर भी गया, विरोध भी काफी जमकर विरोध किया। क्या विरोध करके कर लिया, अब जब इंटरनेशनल लेवल पर गाना बजा, इंटरनेशनल लेवल हाँ नहीं बजा, कौन ऐसा शादी है जहाँ नहीं बजा था, बताइएगा, एक शादी बजाए बता दीजिए जहाँ नहीं बजा है। ढोड़ी चटना गाना जो है ना वो उतर गया है? नहीं, ढोड़ी चटना उतारने के लिए अभी बहुत लोग लगे हुए हैं, और जितना लोग विरोध करेगा उतना चलेगा, जानते हैं कितना चैनल पे है? 300 से ज्यादा चैनल पे है, 300 से ज्यादा चैनल, 300 से ज्यादा, ये आप 300 चैनल पे चढ़वाए हैं? हम चढ़वाए हैं का 300 लोगों का, हम आपको कैसे पता चला कि 300 के 300 चैनल पे? ढोड़ी चटना सर्च करके देखिए, मतलब आप चढ़वाए तभी तो आपको पता है, आप गिनती कर रखे 300 चैनल पे है, सर्च करिए ढोड़ी चटना देखिए, आपको दिखा देते हैं, गिनती कर देखिए, गिनती कर हमारे ढोरी चटना के राइटर PKRN जी ये दिखा रहे हैं कि ये गाने 300 चैनल पे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि हम पूरे फैमिली के साथ इस गीत को नहीं देख सकते LED पे, ये भी मतलब विरोध में ही है और करे लिखे यही गीत को है। अब बताइए ये समाज में एक गंदा संदेश देने का प्रयास एकदम प्रयासरत न है? हम तो गाना लिख के चुप हो गए, प्रयास तो आप क्यों चुप हो गए? अब जाइएगा 1 मिनट का क्लिप काट दीजिएगा, लगा दीजिएगा, जो नहीं देखा होगा। अच्छा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब गर्दन काटता है ना कोई तो घर में जाके छुप जाता है ताकि हमारा गर्दन ना काटे, तो आपने भी तो उसी तरह का काम किया है। हाँ तो उसका विरोध करिए, विरोध करने है तो क्यों आप छुप गए? जब आपने आपको लगता है कि ये गाना सही, आपने अभी बोला, हम कहाँ छुपे, आपने ही अभी बोला ना, मैंने नहीं बोला, आपने ही बोला अभी, क्या हम क्या बोले? आपने ही अभी बोला कि मैं तो गाना लिख के चुप हो गया, मैं गाना लिख के चुप हो गया, आप लोग क्यों चुप हो गए? क्यों चुप हो गए? आपको तो प्रमोशन से पूछिए, आपको तो प्रमोशन पब्लिक से पूछिए कि आपको तो प्रमोशन, आपको तो प्रमोशन करना चाहिए, आपको तो प्रमोशन करना चाहिए गीत को कि आपने लिखा है, आपने अच्छा गीत लिखा है, तो प्रमोशन करना चाहिए आपको। प्रमोशन ही तो कर रहे हैं और क्या है? अच्छा आप प्रमोशन कर रहे हैं और क्या है? चलिए हमको प्रमोशन करने की जरूरत क्या है? रील्स पर देख लीजिए, 2 लाख प्लस रील्स हो गया 2 हफ्ता में, सारे रील्स वाले का भी रिलाई हो रहा है, आपको पता है कि नहीं? आप पब्लिक को जो डीजे पे बजा रहा है उसके पास जाइए माइक लेके, देखिए क्या करता है आपका, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जाइएगा तब पता चलेगा, पब्लिक करेगा ही नहीं कुछ। मैं पब्लिक के पास भी गया हूँ, नहीं जा रहे हैं ना? नहीं मैं गया हूँ, यही है
कि आप खाली राइटर को सिंगर को दबाने की कोशिश करेंगे जो बजा रहा है। राइटर सिंगर को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? किसी के पास जाइएगा और पूछिएगा गाना ये क्यों बजा रहे हैं, तो उसको आपको इतना अच्छा जवाब देगा वहाँ के लड़के सब, आप सोचिएगा। अच्छा, फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये गाना अश्लील है या नहीं? ये गाना अगर अश्लील होता तो नहीं बजता। मैं सिर्फ वन वर्ड ये आंसर चाहता हूँ सर, ये गाना अश्लील है या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर आप प्रूफ कीजिए कैसे नहीं है। जैसे ढोड़ी कौन जीप से चढ़ता है जी? तो मत देखिए वीडियो, ऑडियो हिट है। वीडियो देखने का कौन बोल रहा है आपको? अच्छा, ऑडियो हिट है तो ऑडियो हिट, तो लोग तो वीडियो को जैसे देख रहे हैं। वीडियो और भी वीडियो सारे हैं, उस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के डाले हैं, डांस वीडियो डाले हैं, वो देखिए। कोई जरूरी है कि ढोड़ी जो चाट रहा है वही देखिएगा। चलिए ठीक है पीके आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये थे पीके आर्यन जी जिन्होंने ही ये गीत लिखा था देवरा ढोड़ी चटना में, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये गीत अश्लील है और ये अपने गलती को स्वीकार भी रहे हैं। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।